नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके रहेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के। बीएड सेकंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। रॉयलखंड यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके यूनिट वाइज 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चंस की आपकी बीएड सेकंड ईयर की रॉयलखंड यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप बीएड में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आपको यूनिट वाइज कंटेंट करके जाना है, वहीं से आपको 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज यूनिट थर्ड और देखते हैं यूनिट थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूनिट थर्ड में जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो आपका यह है कि पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द करिकुलम, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्क्राइब द मेन बेसिस ऑफ करिकुलम इन डिटेल। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो नीचे वाले हैं ये आपके अनसोल्ड की कटिंग है और ये जो आपके ऊपर वाली कटिंग है ये आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक की कटिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। वो आपका ये है कि पाठ्यक्रम रचना की कार्यविधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संदर्भ में कोर पाठ्यचर्या का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग इन डिटेल, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका यह है कि पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, है ना। तो या फिर ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि पाठ्यचर्या निर्माण के क्या निर्धारक तत्व हैं, ठीक है। बेसिस कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम आपको करके जाने हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम मेकिंग, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ करिकुलम मेकिंग एट नेशनल लेवल, ठीक है। पाठ्यचर्या निर्माण के क्या निर्धारक तत्व हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण की क्या प्राथमिकता है, ठीक है। अगर इतना पूछेगा, देखो अगर इतना पूछेगा तो आएगा आपका शॉर्ट में, ठीक है। और अगर ऐसे पूछेगा पूरा क्वेश्चन कि पाठ्यचर्या निर्माण के क्या निर्धारक तत्व हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण की क्या प्राथमिकता है, तो ऐसे आपका ये लॉन्ग में आपका पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कि पाठ्यचर्या निर्माण के क्या निर्धारक तत्व हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या निर्माण की क्या प्राथमिकता है ना, ठीक है। ये आपका विद्या के क्वेश्चन बैंक की आपकी कटिंग आपको दिख रही है नीचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके अनसोल्ड के जितने भी अनसोल्ड में आपके प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं उनका सभी का जो सॉल्यूशन मिल जाता है वो आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में ईजिली मिल जाता है। हर एक क्वेश्चन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में ईजी लैंग्वेज के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है आज नॉलेज एंड करिकुलम के आपके यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बीएड में अगर अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं तो यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करके जाने हैं, क्योंकि 100% वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपको हमारे यूनिट वाइज कंटेंट से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट वाइज कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर चैनल पर नए हैं और टेलीग्राम भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। रॉयलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो रॉयलखंड से बीएड कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है वो वहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको इजीली लेसन प्लान मिल जाएंगे और आपको वहाँ पे इजीली असाइनमेंट फाइल भी आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा और ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का और खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा और जमे रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।